अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फबिया अंसारी। धीरे धीरे खाली हो रहे हैं मेडिकल स्टोर। लॉकडाउन के 10 दिन बाद ही फिरोजाबाद के ज्यादातर मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की किल्लत शुरू हो गई है। वहीं कुछ मेडिकल स्टोर पर मरीजों को पूरी दवा न मिल पाने से मरीज काफी परेशान हैं। वह दवाइयों की कमी के कारण कुछ मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपनी दुकानों पर पर्चे चिपका दिए हैं। वह दुकानदारों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा और दवाइयों की फैक्ट्रियां बंद होने से अभी दवाइयां बाहर से नहीं आ पा रही हैं। जो दवाइयां स्टॉक में थी वो कम हो गई हैं या खत्म हो गई हैं। शायद इसी वजह से मेडिकल स्टोर पर पहले की तुलना में भीड़ काफी कम दिखाई देती है। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। शॉर्टेज तो होनी ही है, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं उचित नहीं होंगी तब तक माल नहीं आ पाएंगे ऊपर से। अभी तक जो स्टॉकिस्ट पे या डिस्ट्रीब्यूटर्स पे जो माल है लोकल स्तर पे और आगरा स्तर पे वो आ रहे हैं, लेकिन अब उनके पास भी शॉर्टेज होने लगी है तो शॉर्टेज तो होगी। क्योंकि जो हमें फिरोजाबाद में मिल जाती हैं वो तो सारी हमारे पास हैं, लेकिन जो आगरा और बाहर से हम जो दवाइयाँ मंगाते थे दिल्ली से उसको आने में बड़ा दिक्कत हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा फिलहाल सरकार द्वारा बंद है, तो मैं सरकार से यही चाहूंगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल वालों का थोड़ा ध्यान रखा जाए, जिससे लोगों की दवाइयों की पूर्ति हो सके। जिन लोगों की डायबिटीज और भी बहुत सारी जो जानलेवा बीमारियां हैं उनसे हमें दवाइयों की अगर मदद मिल जाती है तो हम यहाँ फिरोजाबाद में उपलब्ध कराते हैं लोगों को।